चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टॉपिक हमारा चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम कहाँ पे पहुँच चुके थे? फॉर्मूलाज पे पहुँच चुके थे। कंसेंट्रेशन टर्म्स का टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो जितनी भी जनता बाद में ये वाली क्लास देखेगी, एक बार स्पीड को थोड़ा बढ़ा लेना, कम से कम नहीं तो 1.5x पे करके देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका एकदम एक्यूरेटली बना रहेगा, राइट। एक ये फैन ऑफ कर दूं, तुम लोग को तो डायरेक्टली आ रही है ना, ठीक है। इधर आ जाओ अन्य, ये ना थोड़ा डायरेक्ट आ जाएगी, ठीक है। चलिए जी, आज की क्लास में क्या होने वाला है? आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं कंसेंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूलाज, कंसेंट्रेशन टर्म्स के न्यूमेरिकल्स, और एक नई कंसेंट्रेशन टर्म हम आज और देख लेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस आपके लिए एक बार फॉर्मूले दोबारा से लिख देते हैं, ठीक है। कंसेंट्रेशन टर्म्स आप हेडिंग डाल सकते हो, कंसेंट्रेशन टर्म्स आप हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है। मोल्स का फॉर्मूला एक बार बताना, मोल्स का फॉर्मूला जिस जिसको पता है आवाज आनी चाहिए। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये कहानी सभी को पता थी, यस और नो? कंसेंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं, मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं क्यों कर रहे हैं, ये भी कहानी डिस्कस हो चुकी है। सबसे पहली कंसेंट्रेशन टर्म कौन सी थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, बोलो यार? मोलारिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, बोलते जाओ, कैपिटल एम। मोलारिटी का क्या फॉर्मूला था बेटा? मोल्स ऑफ अपॉन, राइट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फर्दर इसको ओपन करते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही बात है बेटा, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, राइट। मॉलिक्यूलर मास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एटम हो तो एटम के अगर मोल्स निकाल रहे हो तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंडा क्लियर है यार, यस और नो? एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मोलालिटी का फॉर्मूला भी मैं लास्ट क्लास में करवा चुका था। मोलालिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा जी? राइट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, पूरा नहीं बोले हो अभी भी, इन केजी, इन केजी बेटा जी। तो मोल्स हो गया, मोलारिटी होगी, मोलालिटी होगी। अगली कंसेंट्रेशन टर्म कौन सी कराई थी बेटा जी? मास परसेंट, मास परसेंट तो पहले करवा दिया था, हालांकि मास परसेंट का फॉर्मूला बता दो यार। गिवन मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, राइट। जो भी चीज का मास दिया होगा, जिसका मास परसेंट निकालना होगा, जिसका भी मास परसेंट निकालना है उसका ऊपर डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या कर देंगे? 100। कहानी क्लियर है? और क्या करवाया था लास्ट क्लास में? मोल फ्रैक्शन। क्या करवाया था बेटा जी, बोलो यार? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय काई, मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय बेटा जी काई, और मोल फ्रैक्शन ए का मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स होता था, यस और नो? भव्या बता बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बता दे यार, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। इस पे हम न्यूमेरिकल भी कर चुके हैं लास्ट क्लास में। मोल्स ऑफ ए को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा जी? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। ऐसे ही यहां पे ये कहानी हो जाएगी, गिवन मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, राइट। एक और बात बताई थी, क्या बात बताई थी अन्य, बता बेटा, इसमें एड ऑन कर दे। दोनों का इसी में ऐड करना था। एक और बात, दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1। अबे याद आ गया, देख ले, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये कहानी बता चुका था, अगर मुझे कभी भी गिवन, अगर मुझे कभी भी थ्री मोलर सॉल्यूशन गिवन हो, इसका क्या मतलब होगा? भव्या बताएगा। ये कहानी हो चुकी है ना डिस्कस लास्ट क्लास में, हो चुकी है, राइट।
सॉल्यूशन, ठीक है भाई। एक बार बेटा आपका क्या नाम है? दक्ष। दक्ष बाबा अभी तो बिल्कुल बिल्कुल बोर्ड पे देखता रह दो, ये तेरे को नोट नहीं करना। इसके बाद है ना फिजिक्स, इसके बाद उधर है ना क्लास। हाँ ठीक है। देखो मित्रों सुनो मेरी बात, ऐसा है कहानी के मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपको समझ में आ चुका है, लास्ट क्लास में हो चुकी है दक्ष ये बात यार, तो तुम अभी नोट मत कर इन सबको, ठीक है। एक बार ये वहाँ से हेल्प ले लियो, मैं तो बस एक बार आपको दिखा रहा हूँ सारे के सारे कि ये सारे फंडे हम कर चुके हैं, अदरवाइज मैं सीधा सीधा न्यूमेरिकल लिखवाता और आगे बढ़ता है ना। तो एक बार देख ये लोग क्या कह रहे हैं और कोशिश कर सुनने की, ठीक है ना, और फिर एक बार रुकियो मैं बताऊंगा, फिर तेरे को सब समझ में आ जाएगा। चलो जी, थ्री मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है? मोलारिटी कितनी गिवन है बच्चे? थ्री। ये कब थ्री होगी? जब मैं क्या मान लूंगा इसको? वन लीटर, और इसके मोल्स कितने होने चाहिए? थ्री, तभी तो आंसर थ्री आएगा। यस और नो? तो इसके फॉर्मूले से हमने, अगर ये मुझे गिवन हुई तो मैं क्या स्टेटमेंट बनाऊंगा? थ्री मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये वन लीटर को भव्य महाराज ने 1000 ml बोल दिया था, बिल्कुल सही बात थी, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फंडा क्लियर है? ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें क्या आया था? टू मोलर एक्व सॉल्यूशन आया था, वन मोलर एक्व सॉल्यूशन आया था ना। ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। अगर मुझे गिवन हो वन मोलर, ये अलग कंसेंट्रेशन टर्म है, वन मोलर, ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे? वन। कितने केजी में? वन केजी में, राइट। वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन वन केजी ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट, है ना, और सॉल्वेंट यहां पे क्या है? वाटर। व्हाई? बिकॉज यहां पे क्या दिया हुआ है? एक्वस। ये फंडा क्लियर है? एक और छोटी मोटी बातें हमने करी थी, अगर मुझे कभी कैसे गिवन आ जाए 5% मास बाय मास गिवन आ जाए, या लिखा हो 5% बाय मास, इसका क्या मतलब होगा? 5% राइट। ये फंडा क्लियर है? बोलो यार यस और नो, ठीक है। ये फंडे आपको सबको क्लियर है? भव्य एक बार उसको फॉर्मूलाज दिखा देना बेटा, है ना, जब न्यूमेरिकल दूंगा तो अभी डिस्कस कर लेंगे आपस में। फिलहाल डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता ही है, मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, ठीक है। चलो अभी ना आज एक फ्रेश नया फॉर्मूला आपके लिए, ठीक है, नया नया बढ़िया, और स्कूल के पेपर में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा, ये बात गारंटी ले रहा हूं मैं, ठीक है। इधर देखो फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशन, किसका फॉर्मूला बेटा जी? डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन का अर्थ समझ में आता है, मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन। देखिए मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मेरा कुछ सॉल्वेंट भरा हुआ है, मैंने उसमें कुछ पिंच ऑफ सॉल्ट डाल दिया, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट है, उसमें मैंने क्या डाल दिया? पिंच ऑफ कुछ भी डाल दिया। तो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल रहे हो तो सॉल्यूशन का कुछ कंसेंट्रेशन होगा? अरे बोलो यार यस और नो। अब मैं इस एक, फॉर सपोज ये एक लीटर का था, ठीक है, कंटेनर, एक लीटर के कंटेनर को सेम सॉल्वेंट 20 लीटर मैंने ले रखा है उसमें डाल दिया हूं, तो टोटल वॉल्यूम 21 लीटर हो चुका है, पर मोल्स ऑफ सॉल्ट तो उतने ही है, और बोलो यार यस और नो। तो हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा, पहले वाला होगा या बाद वाला होगा? हाईली कंसेंट्रेटेड पहले वाला होगा, क्योंकि बाद वाले में तो आपने सॉल्वेंट बहुत ज्यादा कर दिया, मतलब डाइल्यूशन कर दी, और अगर डाइल्यूशन कर दी तो इसका मतलब है आपकी कंसेंट्रेशन क्या हो गई है? कम। देखो फॉर सपोज आपकी एक मोलारिटी थी, मोलारिटी का फॉर्मूला लिख देता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है जी, और ये क्या था? M1 V1, अभी बता रहा हूं अभी ये कहानी, चलो बाद में करेंगे पूरी। जैसे जैसे मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मोल्स पर लीटर कम होते जाएंगे कि नहीं होते जाएंगे? बोलो यार। तो मोल पर लीटर क्या होती है? मोलारिटी, ये कंसेंट्रेशन टर्म है जो उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को डिस्क्राइब करता है, ये वो कंसेंट्रेशन टर्म है, और वॉल्यूम बढ़ाने से कंसेंट्रेशन टर्म क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये फंडा आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो यार।
अब मोल्स ऑफ सोल्यूट तो जो आपके पहले थे वही रहेंगे बाद में भी, अरे मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज होंगे क्या? वो तो उतने ही थे पर पर लीटर कम हो गए, पर लीटर कम हो गए। कंसेंट्रेशन टन पर लीटर के हिसाब से निकाली हुई है, इसलिए मोलारिटी जो है यहां पे कम हो जाएगी। एक ही बात हो गई, घुमा फिरा के बोल दिया बस मैंने, तो बोलो यार। मैं आपको कह रहा हूं कि ये अगर वॉल्यूम कम था और अब मैंने वॉल्यूम वॉल्यूम बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, तो ये M2 M1 से छोटा होगा ना यार, बस यही है फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन। इसमें क्या होगा, आपके पास एक M1 होगा, V1 उसका पूछेगा, M2 और V2 दे देगा, वो कहेगा आपके पास ये कंसेंट्रेशन है, मैं इसको अगर डाइल्यूट करके नई कंसेंट्रेशन बना दूं और डाइल्यूट वाला वॉल्यूम भी दे देगा, तो आपसे पूछेगा इसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो आप क्या कहोगे M1 V1 इक्वल टू M2 V2। ये फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बोलो यार पक्का। ये क्या है फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन करनी है तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। लगाना कैसे है, एक क्वेश्चन देता हूं आप लोग लिखो, उसके बेसिस पे आप लोग लगाइएगा। लिखो क्वेश्चन लिखो, नॉर्मैलिटी आज करवाएंगे, आज नॉर्मैलिटी ही नया फॉर्मूला बताएंगे। ये एक फॉर्मूला नया है आपके लिए, ये हमारा लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, इसके बाद जो फॉर्मूला नया डिस्कस होगा दैट विल बी नॉर्मैलिटी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले, क्योंकि फॉर्मूला समझ में तभी आएगा जब उसे अप्लाई किया जाएगा। चलिए, कमर्शियली अवेलेबल क्वेश्चन लिख रहे हो, इसको कर लो नोट। बोले क्या बात होगी, दक्ष पेन वेन ठीक है क्या तेरे को बेटा, पढ़ा हुआ है, ठीक है चलो जी लिखो 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 फटाफट लिखो। कमर्शियली अवेलेबल कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 38% HCl बाय मास, contains 38% HCl by mass, full stop, what is the molarity of the solution, what is the molarity of solution if the density is या फिर डेंसिटी इज 1.19 ग्राम पर एमएल, ठीक है बेटा जी, डेंसिटी इज 1.19 ग्राम पर एमएल, क्लियर है, ठीक है। बी पार्ट लिखो, बी पार्ट सेकंड पार्ट, व्हाट वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एचसीएल, व्हाट वॉल्यूम ऑफ concentrated HCl is required to make 1 liter of molar HCl, चलिए इसमें आपका प्रीवियस, ये M स्टैंड फॉर मोलारिटी बेटा, ये M मोलारिटी कैपिटल M, मोलारिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M,
हाँ, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 35.5। ठीक है, दिया होगा तो ले लेंगे, नहीं तो यही लेना। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक भी दे देंगे इसके साथ तुम्हें आज। ये आधा क्वेश्चन बिल्कुल वही है जो कल हुआ था लास्ट में, लास्ट क्लास में इसी तरीके का एक क्वेश्चन सेम हमने किया था, उसका एक्सटेंशन लगा दिया आज। और ये एक्सटेंशन वाला स्कूल के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस पर आप लोग स्टार लगा सकते हो कि भाई ये स्कूल में आने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही हैं। दक्ष के पास हैं फॉर्मूले? नहीं, चलो एक बार कर लेते हैं डिस्कस। चलो ठीक है, आ जाओ, देखो इधर देखो बेटा, एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट, अब हमारे पास क्या गिवन है बेटा, इसका अगर मैं मीनिंग निकालूं, मीनिंग तो इसका मतलब है 38 ग्राम ऑफ HCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नहीं किया था, बोलो यार। अगर कभी परसेंटेज बाय मास गिवन हो तो परसेंटेज 100 में से होती है, मतलब सॉल्यूशन के 100 ग्राम में HCl का इतना ग्राम है, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, दूसरा मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मोलारिटी। अगर मुझे मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला लिखने का आधा नंबर है मेरा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला बोलो, गिवन मास अपॉन, व्हाट इज द गिवन मास? 38। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन। क्या मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, यस और नो? मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं है, पर मेरे पास क्या चीज गिवन है, मास गिवन है सोल्यूशन का, और सोल्यूशन की क्या गिवन है, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 1.19 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 100 ग्राम। तो ये डेंसिटी किस में थी, ग्राम पर एमएल में थी, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, 100 अपॉन 1.19 एमएल इधर चला जाएगा, तो ये एमएल में वॉल्यूम आ गया। पर मुझे वॉल्यूम किस में लेना था, एमएल में लेना था कि लीटर में लेना था फॉर्मूले में? तो लीटर में एमएल को करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 1000, 20 कैंसिल, लीटर में आंसर आया 11.9 लीटर। ओ यस और नो यार, अभी क्या करने वाले हम लोग, मोलारिटी के फॉर्मूले में वैल्यू डालने वाले हैं। तो 38 अपॉन 36.5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, और ये 1 अपॉन में 11.9 चला जाएगा, और ये किस में आ जाएगी कहानी, लीटर में ही था ये, तो लीटर 1 अपॉन चला गया था। फंडा क्लियर है, यस और नो? तो मोलारिटी का आंसर आ गया, सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, 12.38 मोलर। इतना काम तो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके थे। ठीक है, अब क्योंकि मैं ये आपको दूसरी बार करवा रहा हूँ, एक बार ऑलरेडी हो चुका है, तो आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में देखे जाते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, और ये सब समझ में भी अच्छे से पहले आ गया होना चाहिए, क्लियर है? इसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे काम करेगी, अगर कभी आपको, ध्यान से सुन लो, लिखो मत, अगर कभी आपको डेंसिटी दियो, क्या दियो, अगर कभी आपको परसेंटेज बाय मास दिया हो, क्या दिया हो, परसेंटेज बाय मास दिया हो, और आपको मोलारिटी में रिलेशन फाइंड आउट करना हो या मोलारिटी निकालनी हो, तीन चीजों में रिलेशन है, तो तीन चीजों का होना वहां पर जरूरी है, क्या, मोलारिटी, परसेंटेज बाय मास और डेंसिटी। तो मोलारिटी का एक नया फॉर्मूला है, 10 इंटू एक्स इंटू डेंसिटी
ऑफ सॉल्यूशन बाय मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखते हैं बराबर आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये शॉर्ट ट्रिक कब काम करेगी? जब आपके पास परसेंटेज बाय मास हो, जब आपके पास डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो और आपको मोलारिटी फाइंड आउट करनी हो, या फिर इन तीनों में से कुछ फाइंड आउट करना हो और दो चीज आपको गिवन हो। फंडा क्लियर है एकदम टोटली? इसमें वैल्यूज अप्लाई करो। मोलारिटी आपको निकालनी थी 10, परसेंटेज कितना दिया हुआ था 38, डेंसिटी कितनी दी थी 1.19, मोलर मास कितना था 36.5। अब देखो मोलारिटी का आंसर उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यार यस और नो। ऊपर देखो 38 है, नीचे 36.5 है, यहां पे 11.9 है, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 11.9 आ जाएगा, यस और नो? आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, दैट इज 12.38। तो ये शॉर्ट ट्रिक आप लगा सकते हो ताकि आपका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, जो इसका एक्सटेंशन है, वो एकदम तुरंत तुरंत जल्दी से हो जाए। अदरवाइज आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए। शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको फॉर्मूला भी एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा और कंडीशन भी याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं सीखनी, आप डायरेक्ट आपको ये सही लग रहा है तो आप ऐसे जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने में लग रहा है टाइम, करने में नहीं लगेगा बिल्कुल, कर लो जल्दी से। एक्सटेंशन वाला पार्ट करके देखो, बी पार्ट करके देखो बेटा, दक्ष करके देख बाबा। मोलारिटी तेरे को बता दी, अब कैसे निकालनी थी। चलो आ जाओ, देखो ये नोट हो गया था ना तुम्हारा। अब देखो अगला पार्ट क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl इज रिक्वायर्ड टू मेक बेटा 1 लीटर ऑफ 0.10 मोलर HCl? आपको वॉल्यूम पूछ रहा है और आपको कह रहा है अगर ये बनाना हो तो आपको क्लियरली यहां से दिख रहा है कि ये जो कहानी कंसेंट्रेटेड HCl की पूछ रहा है उसकी मोलारिटी आप ऊपर से निकाल चुके हो, निकाल चुके हो। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, M1V1 इक्वल टू, बोलो बेटा जी, M2V2। M1 कितना है 12.38 मोलर, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम निकालना है मुझे, कितना हो जाए जब नई मोलारिटी कितनी हो जाए 0.10। देखो पहली ये थी, अब ये हो गई, इसका मतलब बहुत 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 ज्यादा इसमें डाइल्यूशन हो चुका है, राइट? और वॉल्यूम अगर आप लीटर में ले रहे हो तो आंसर इसका लीटर में आएगा, अदरवाइज वहां पे ml में करना है
क्योंकि 1 लीटर दिया हुआ है तो ml में आ जाएगा। ml में करने से क्या होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0.10 है, तो 0.10 को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 ml बनेगा। बोलो यस और नो। तो v1 कितना हो जाएगा बेटा, 100 डिवाइडेड बाय 12.38, और आंसर किस में आएगा, ml में आएगा, इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बोलो यस और नो। ठीक है, तो वॉल्यूम हमारा 100 अपॉन ये कर दिया तो 8 पे जाएगा करीब करीब, तो 8 point something something आंसर आ रहा होगा। बेटा एक बात बता, कुछ भी ले लेना, क्या फर्क पड़ता है, m1 v1 है तो m2 v2 के बराबर ही, इसको m1 v1 ले ले दो, क्या दिक्कत है। वो ये कह रहा है कि जो आपका ऊपर आपका सौदा बन गया था कंसेंट्रेटेड HCl का, उसका कितना वॉल्यूम होगा अगर ये चीज बनानी हो तो, या कितना डाइल्यूशन करना पड़ेगा, या क्या है हिसाब किताब। ठीक है, तो ये कहानी बन गई हमारी उस फॉर्मूले की जो आज करी हमने। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटा आगे फटाफट से, नया फॉर्मूला विल टेक टाइम, इसे कर लो फटाफट, आगे बढ़ रहे हैं। हटा दें, बेटा ये आपको पता करना है। सर ये तो हमने निकाल लिया डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम नहीं निकाली है, हमने क्या निकाला है, इससे पिछले बार में डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम वो सॉल्यूशन का था। अच्छा। ठीक है, उस वॉल्यूम की मदद से हमने मोलारिटी पता करी थी, पता करी थी। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपको एक नई कंसेंट्रेशन बनानी हो, समझ रहे, वो जो वॉल्यूम तूने निकाली थी डेंसिटी के फॉर्मूले में उससे तो ये कंसेंट्रेशन आ गई। अब वो ये कह रहा है कि अगर आपको एक नई कंसेंट्रेशन बनानी हो और वो कंसेंट्रेशन हो गई है 0.10, और वो किस पे हुई है, वो 1 लीटर पे हुई है, अब इसका वॉल्यूम क्या होगा। कोई बात समझ में आई कि नहीं आई, वो गिवन था ना क्वेश्चन में, देख वो ये कह रहा है कि नई मोलारिटी दे रहा है वो एक, और वो एक नया वॉल्यूम दे रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपको इधर से ये बनाना हो तो फिर इसका कितना वॉल्यूम होगा, पक्का देख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है, वरना क्लास के बाद दोबारा सीख लियो। ठीक है ना, तो फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन लग गया हमारा। और पता कैसे लग रहा था फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा मोलैरिटी थी 12 पॉइंट कुछ, अचानक से वो 0.1 हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ने कुछ अपना रोल प्ले किया ही होगा। तो वो फिर फॉर्मूला फॉर डाइल्यूशन एम वन वी वन इसी टाइप का तुझे दिख जाएगा, एम वन वी वन इक्वल टू एम टू वी टू लगाना। डन, पक्का। हाँ बिल्कुल दे देंगे, कोई बात ही नहीं है। चलो देखो एक बार सुनो, नई कंसेंट्रेशन टर्म क्या बेटा, नई कंसेंट्रेशन टर्म क्या बेटा, बोलो यार। नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। बहुत ही ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा, और जो जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो आपको याद रखने पड़ेंगे। नॉर्मैलिटी का फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है बेटा, एक बार साथ साथ रिपीट करते जाओ, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब हमें यह पता करने है कि ग्राम इक्विवेलेंस चीज क्या है, तो ग्राम इक्विवेलेंस का एक नया फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट होता है कि गिवन मास हो जिसका भी निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सॉल्यूट की बात कर रहे हो तो मैं यहां पे सॉल्यूट मेंशन कर देता हूं, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है बेटा,
अब आपको गिवन मास तो पता है कि ये दिया हुआ मास है, पर इक्विवेलेंट मास क्या है, इसका एक नया फॉर्मूला। इक्विवेलेंट मास होता है बेटा जी मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एन फैक्टर। अब इक्विवेलेंट मास किसका था, सॉल्यूट का था, तो मॉलिक्यूलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का होगा अपॉन एन फैक्टर। अब इक्विवेलेंट मास को आप ऊपर वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, एन फैक्टर बाद में बताएंगे, अभी एन फैक्टर को एक बार रोक दो। एन फैक्टर अभी पूरा एक्सप्लेन होगा जब आप नॉर्मैलिटी को समझ जाओगे, तो एन फैक्टर को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, निकालना पड़ेगा, बताएंगे कैसे निकालोगे। अभी आप यहां फोकस करो बिल्कुल। इक्विवेलेंट मास को क्या बोल दिया हमने, बोलो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब मैं इक्विवेलेंट मास को यहां पे डाल रहा हूं, तो ये क्या होगा बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर। ये फंडा समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलो। कभी ये तुमने देखा है, ये कभी देखा है तुमने, कुछ कुछ लगा जाना पहचाना सा, राइट। गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, मोल्स का है। तो मैं यहां से ग्राम इक्विवेलेंट्स को क्या लिख दूं बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। कभी कभी ये भी यूज कर लेंगे हम। अब क्योंकि आप यहां तक पहुंच चुके हो, ग्राम इक्विवेलेंट्स आपको पता लग चुके हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स को इस वाले फॉर्मूले में डालने का टाइम आ गया। तो नॉर्मैलिटी बेटा क्या थी, ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या डाल दो बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कुछ यार फिर से कुछ जाना पहचाना लग रहा है, फिर से कुछ मोलारिटी। ये फॉर्मूला किसका सिखाया था बच्चों, तो नॉर्मैलिटी क्या हो गई बालकों, मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। मजा आ गया, नॉर्मैलिटी और मोलारिटी में केवल एक ही फर्क है, एन फैक्टर, जो अभी आपने सीखा नहीं है, अभी सीखने वाले हो आप लोग कि एन फैक्टर निकलेगा कैसे और क्या होता है, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूं क्या क्या चीज आपको याद रखनी। जैसे बाकी कंसेंट्रेशन टर्म्स थी सॉल्यूशन के लिए हमने पढ़ा, वैसे ही ये भी एक नई कंसेंट्रेशन टर्म है। ये कंसेंट्रेशन टर्म कैसे बनेगी, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर करके, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला बोलते जाओ, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला बोलो, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर, इसको उठा के ऊपर, मॉलिक्यूलर मास इधर, एन फैक्टर ऊपर, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या बन जाएगा मेरा, मोल्स, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट्स का वो फॉर्मूला उठा के नॉर्मैलिटी में, और ये कहानी आपकी बन जाएगी। अब आपको दो बातें मैं बता रहा हूं, ये हमारे बाद में काम आएगा, ये फॉर्मूला नॉर्मैलिटी का और ये फॉर्मूला नॉर्मैलिटी का। कभी कभी ग्राम इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकालने के लिए एन इंटू एन फैक्टर में आपको सिखा दूंगा, तो ये बहुत काम आने वाले हमारे। नॉर्मैलिटी के नए दो फॉर्मूले हो गए, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर और नॉर्मैलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। फंडा क्लियर हो गया एकदम। अब आप इसको एक बार नोट करो, देन वी विल डिस्कस कि एन फैक्टर निकालते कैसे हैं। करो जल्दी। एक बार तो तेरे को सब पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ये भी पता होना चाहिए इक्विवेलेंट मास क्या होता है,
डायरेक्टली ये, डायरेक्टली ये भी पता होना चाहिए, सब पता सब होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं पता होना चाहिए कि ये कर लें खाली या वो कर लें उससे बात बन जाएगी, कभी फिर अटक जाएगा। गॉट इट? फॉर्मूले ही तो है, क्या हो गया? सिंपल सी, जो बता दिया वो याद रख लो, खत्म। हटा दें इसे। डन। हटा दे। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी बढ़ाते हैं एन फैक्टर पे, ठीक है जी। एन फैक्टर ध्यान से सुनना, क्या होता है एन फैक्टर? देखो एन फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल एच प्लस आयंस। आप मुझे बताओ जो एच प्लस देती है स्पीशी उसको आपने क्या सीखा है, क्या होता है वो? एसिड, राइट? तो एसिड्स के लिए एक बात है, एन फैक्टर कितना होगा? जितने वो क्या दे देंगे, एच प्लस। क्लियर है ये? और एसिड्स के लिए एन फैक्टर को कहते हैं बेसिसिटी। क्या कहते हैं बेटा जी? बेसिसिटी। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं बेसिस के लिए तो क्या नाम हो जाएगा? एसिडिटी। और यहां पे क्या बात याद रखोगे? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस। एक कहानी और होती है सॉल्ट्स के लिए, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, राइट? ये सॉल्ट्स के लिए बात होती है। अब एक एक करके सबको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहली बात, जितने H प्लस आपको निकलते नजर आएंगे उतना क्या हो जाएगा? N फैक्टर। HCl में कितने H प्लस हैं? तो N फैक्टर कितना हो गया? 1। H2SO4 में कितने H प्लस हैं? N फैक्टर कितना हो गया? 2। H3PO4 में कितने H प्लस हैं देने के लिए? तो N फैक्टर कितना हो गया? 3। H3PO3 में कितने H प्लस हैं? दिख तो तीन रहे हैं पर निकलेंगे दो। H3PO2 में दिख कितने रहे हैं? तीन, पर निकलेगा एक। हाउ कम हम ये बात कह सकते हैं? ये बात आपको तभी पता लगेगी जब आप इसके क्या जान लोगे, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। तो जितना बात रेलिवेंट है बस उतना समझा रहा हूं, आगे फिर बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर की कोई दिक्कत नहीं है, क्लियरली आपको H प्लस निकलता नजर आ रहा है। इसके स्ट्रक्चर की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो स्ट्रक्चर एक बार छोटे छोटे ऊपर बना रहा हूं, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। H2SO4 कुछ ऐसे बनेगा, आप देखिए ये O के साथ H है। क्या है? O के साथ H। ऑक्सीजन कौन है? इस दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप बचपन में पढ़ के आए हो, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहती है। और चैप्टर 3 में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगा। फिलहाल ऐसे समझ लो, जिसको मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलूंगा वो अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहता होगा। तो ऑक्सीजन इस दुनिया का सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
ऑक्सीजन की टेंडेंसी रहती है कि पड़ोसी वाले से इलेक्ट्रॉन खींच के अपने पास ही रख लूं, इसीलिए O और H का बॉन्ड जो होता है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें O ही अपने पास इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, बिकॉज इट इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ होल पीरियोडिक टेबल। तो यहां से H प्लस बन करके इजीली जा सकता है और पीछे O पे क्या आ जाएगा, माइनस। ये जो O पे माइनस है क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्टेबल है। अगर कोई चीज जा रही है तो पीछे जो बच रही है उसका स्टेबल होना जरूरी है, तभी वो उसको भेज पाएगा, ऐसा समझ लो आप लोग। छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये स्टेबल कई वजहों से है, आपको बस एक सिंपल सी बात बताई कि O का नेचर ही था क्या अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन रखने का, नेचर है उसका। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात, समझ रहे हो ना। अभी देखो इन शॉर्ट बात याद करवा देता हूं आपको, जो भी डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन O के साथ होंगे वो H प्लस बन के जा सकते हैं, क्योंकि वो बॉन्ड काफी ज्यादा रिएक्टिव था, क्योंकि वो बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन रखना चाहता था, ऑक्सीजन रखना चाहता था, ऐसे आप समझ लो। तो पहले तो आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, और फिर आपको एक छोटी सी बात याद रह जाए तो मजा आ जाएगा कि O के साथ वाले हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिप्लेसेबल, H प्लस बन के जा सकते हैं। आपको समझ में आएगी ये बात जब मैं आपको आगे करवाऊंगा। H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है सर, ये तो आपको हम चैप्टर 4 में ही बता पाएंगे कैसे बन रहा है। O के साथ HAS और NO, O के साथ HAS और NO, O के साथ HAS और NO, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या बन के जा सकते हैं, H प्लस बन के जा सकते हैं, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन किसके साथ हैं, ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं। तो N फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। H3PO3 का स्ट्रक्चर देखिए, माई गॉड, ओ माई गॉड, ये तो डायरेक्टली अटैच्ड है फास्फोरस से, और फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर नहीं है, इसीलिए O के साथ ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड रिएक्टिव नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, यहां पे कोई खींचतानी नहीं चल रही है, फास्फोरस हाइड्रोजन पे जुल्म नहीं कर रहा है, उसको नहीं कह रहा कि यार तू मेरे को सारे इलेक्ट्रॉन दे दे। पर दोबारा से आपको ये कहानी होती हुई नजर आ गई, तो यहां पे N फैक्टर कितना हो गया, 2। H3PO2 का स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगा, तो N फैक्टर कितना नजर आ गया आप लोग को, 1। ये फंडा क्लियर है कि नहीं है, बोलो यार। आपको बस पता है कुछ नहीं सीखना, आपको ज्यादातर क्वेश्चन यहां और यहां खत्म हो जाएंगे, ठीक है, पर फिर भी आपने ये सीख लिया, इनके नाम सारी कहानी हम आगे धीरे धीरे करते चले जाएंगे। इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड होता है, अगर आपको याद रखना तो रख लो, ये आएगा तो आएगा, ये वाली कहानी बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे पूछी जाएगी, बताने को बता देते हैं, क्वेश्चनों में नहीं है ज्यादा, ठीक है, समझ में आ गई। चलिए ये बहुत आसान है, एसिडिटी फाइंड आउट करना सबसे सुपर इजी यही है, जितने भी OH- आयन आपको चमकेंगे, हाँ बस हाँ, कोई एक्सेप्शन थोड़ी है, ये एक बात है कि रिप्लेस कौन होंगे, ये कंडीशन है एक तरीके की, एक्सेप्शन वो कहते हैं जो हटके हो, ये हटके नहीं है, ये बात तो एक नॉर्मल सी बात है। अब इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा था तो क्या करें, OH माइनस सिंपल दूर से जितने दिख जाएं, बताएं N फैक्टर कितना होगा इसका, इसका बता कितना हो, इसका बता, अब बस कोई और कोई सीन नहीं है इसमें, ठीक है, डन। आ जा बेटा फिर, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, सॉल्ट की बात करें कोई, NaCl, Na पे कितना चार्ज है, Cl पे कितना है, ओवरऑल पॉजिटिव कितना है, या फिर होता है इसका मतलब, नेगेटिव भी कितना है, तो N फैक्टर में प्लस और माइनस को नहीं ऐड करना, N फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। फॉर एग्जाम्पल CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, एक Cl पे कितना होता है, 2 पे कितना होगा, Ca पे कितना होगा, अगर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज देखो तो कितना है, और ओवरऑल नेगेटिव चार्ज देखो तो भी कितना है, -2। N फैक्टर कितना हो गया, 2। आ जा बेटा AlCl3, बताओ N फैक्टर कितना होगा, 3। चलो बताओ, शाबाश, Al2SO4 होल थ्राइस, N फैक्टर कितना होगा, 3। हाउ कम, चलो कोई बात नहीं, मैं हेल्प करता हूँ, SO4 पे कितना होता है, 3 पे कितना होगा,
माइनस ओए एक पे माइनस टू है तो तीन पे कितने होंगे, माइनस सिक्स नहीं होंगे, माइनस सिक्स होंगे तो इधर क्या होगा प्लस सिक्स, एक एल्यूमिनियम पे कितना होगा प्लस थ्री, पर हमें क्या निकालना है एक पे के ओवरऑल, ओवरऑल तो ओवरऑल मतलब टोटल, टोटल कितना है प्लस छः, एन फैक्टर कितना हो गया छः, समझ गए कि नहीं समझ गए बोलो यार। तो ये एन फैक्टर का पूरा फंडा आपको क्लियर किया है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ फटाफट से, इसको कर लो नोट जल्दी। पॉजिटिव हाँ मतलब प्लस माइनस वहां पे ऐड नहीं करना है, सारे पॉजिटिव होल नंबर ही है प्रॉपर एक, ठीक है। वही वैसे ही तो किया है, ठीक है भाई, जितने नंबर ऑफ एल हैं उसको उसके चार से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है वैसे ही किया बेटा, कोई नया तरीका नहीं है इसका, सेम ओल्ड। ये तुम्हारा आज हुआ था क्या, हो चुका है ये टॉपिक स्कूल में, हो चुका है। अच्छा स्ट्रक्चर बनाने तो चैप्टर फोर में आएंगे यार, H2O2 टाइप का, अच्छा ठीक है, वो फिर तुमको रिडॉक्स के हिसाब से बताया है। अपन कर लेंगे सेकंड नंबर पे रिडॉक्स ही कर लेंगे, ठीक है अभी तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, इसको आराम से करेंगे, कोई भागा दौड़ी नहीं है। आज तुम्हारा फ्राइडे हो गया, एक संडे को ना ऑनलाइन क्लास रहेगी रहेगी और एक टेस्ट, तुम दोनों का नहीं है पर अभी, क्योंकि बिल्कुल अभी आए हो आप, आपको आना है, ठीक है टेस्ट देने ऑफलाइन आना है और क्लास संडे वाली ऑनलाइन ही चलती है, ठीक है ना। बाकी मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे क्लास यहाँ पे रहेगी, एक दिन संडे ऑनलाइन रहेगी, उसमें हम आगे का करेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ रिवाइज कुछ नहीं, रिवीजन बैकअप का टाइम 6 बजे के बाद, ठीक है। चलो नोट करो, एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, इसकी कहां से क्लास हो गई अभी, H3PO3 में 2 होंगे। ये तो एसिड है और एसिड में भी वो वाले हैं जो H+ निकाल सकते हैं, तो जितने एसिड H+ निकाल सकते हैं उतनी बेसिसिटी होगी, वो फिर इसमें नहीं आएंगे, उसका दूसरा तरीका है, समझ में आ गई, वो रिडॉक्स में आ जाएगा पार्ट। फंडा क्लियर हो रहा है कुछ, ठीक है। एन फैक्टर खाली ऐसे ही नहीं निकाला जाता, और भी तरीका है,
फिर वो रिडॉक्स में आ जाएगा, फिर वो रिएक्शन वाला पार्ट बन जाएगा। अभी तो हमको यही देखने को मिलेंगे यहाँ पे नॉर्मेलिटी के केस में, नॉर्मल ठीक है करेंगे, हम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी ये समझ में आ गया क्या? नहीं आ गया बोलो, इसको अप्लाई कैसे करना है? एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए, लिखो एक बार क्वेश्चन बेटा। अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इसको हटा दें, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला दिया हुआ है, अ सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 0.63 ग्राम ऑफ द एसिड इन ऑफ द एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलारिटी एंड नॉर्मैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ए पार्ट मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, बी पार्ट नॉर्मैलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है। आप एक बार बोर्ड पे देखना, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? निकाल लोगे ऑक्सैलिक एसिड का? ये डॉट जो होता है ये प्रोडक्ट होता है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच हैं, ठीक है बच्चों। वाटर का 18 into 2 करना पड़ेगा हमको, और फिर इनके सबके ऐड करके इनका भी COOH होल ट्वाइस है बेटा, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड में ना होल ट्वाइस होता है, ये एक बार ट्वाइस कर लेना, 126 रहेगा इसका मॉलिक्यूलर मास। पंडा क्लियर है? मोलारिटी निकालनी है, बहुत सिंपल है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट फॉर्मूला आपको पूरा लिखना है, मैंने लिख रहा अभी, पर आपको लिखना है पहले और फिर वैल्यूज डालनी है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे? गिवन मास कितना है बोलो? मॉलिक्यूलर मास कितना है? वॉल्यूम कितना है? 1 cm³ इज इक्वल टू क्या सिखाया था अन्या? 1 ml, ठीक है। 250 डिवाइडेड बाय 1000, बिल्कुल ही सिंपल। ये कितने पे जा रहा है? 4 पे जा रहा है। 100 करना पड़ेगा, 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा। ये कैसे लिखा? पानी की टंकी 1 meter ऊंची, 1 meter लंबी, 1 meter चौड़ी, 1000 liter की होती है, समझ गया? 1 meter में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर लीटर, 1000 cm³ इक्वल टू 1 liter मतलब 1000 ml होगा। याद रख लेगा? याद रख लेना। इतना आंसर आ गया बेटा, येस और नो? आप मुझे ये बता दो इसमें एन फैक्टर कितना होगा? इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, देखो एन फैक्टर कितना लग रहा है इसका, एक बार बोर्ड पे देखना, इसका एन फैक्टर कितना लग रहा है? 2। एन फैक्टर कितना ऑक्सैलिक एसिड का? 2। वाटर के मॉलिक्यूल्स मत देखना इसमें, वो ऐड होंगे बस, ठीक है ना। एन फैक्टर इसी का देखना, कितना एन फैक्टर है? 2। एन फैक्टर 2 डाल दो, नॉर्मैलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी का आंसर कितना आ गया? एन फैक्टर का कितना आ गया? नॉर्मल। ये फंडा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलो यार, ठीक है, क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन, ठीक है, क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, बाकी मिलेंगे।
संडे को, और संडे को करेंगे आगे कंसेंट्रेशन टर्म्स के बढ़िया बढ़िया रिलेशनशिप और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन, और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अभी कंसेंट्रेशन टर्म्स के बढ़िया न्यूमेरिकल चलेंगे, राइट, ठीक है।